राजधानी देहरादून के प्रेम नगर स्थित निजी संस्थान में पढ़ रहे अक्षत शुक्ला का शव उसके कमरे में संदिग्ध हालत में गत मंगलवार को बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्र यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। अक्षत के माता पिता आज देहरादून पहुंचे। उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़के के परिजनों का कहना है कि अक्षत काफी सुलझा हुआ और सीधा लड़का था, वह इस तरीके का कदम नहीं उठा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से अक्षत को कॉलेज में पढ़ रहे कुछ अन्य छात्रों द्वारा मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ समय पूर्व ही उन छात्रों के साथ अक्षत की लड़ाई भी हुई थी। अक्षत के परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। अक्षत के परिजनों ने पुलिस को एक तहरीर भी दी है, जिसमें कि तीन लड़कों को अक्षत पर आत्महत्या करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। तीन लड़कों में मुख्य आरोपी शामली के विधायक का पुत्र बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पीजी पे रहते और लेन नंबर 6 में दिवाली के पहले ये घर आया था, उसका आने के मन नहीं हो रहा था तो बड़ा समझा के भेजा, तो हमने कहा था कि अब चलो मैं आऊँगा, जो लोग हैं मैं उनसे आकर के बात करूँगा। क्या लड़ाई? मैंने गंभीर आरोप इस बेस पे लगाए हैं कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे रूम में जाता है और रात में मैं जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ जब तक पुलिस नहीं जाती उसके बाद तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है। मैंने उसके घर रूम के अंदर एक पानी की बॉटल तक नहीं है, तो क्या बच्चा कमरे में जाएगा पानी तक नहीं पिएगा? या बच्चा है 10 मिनट के लिए तो निकलेगा ही, बाहर निकलेगा ही रूम से एकदम तो नहीं। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं माइंड टॉर्चर किया गया है। क्या है यहाँ पे पढ़ाई? हाँ, हमारे हिसाब से तो कॉलेज के ही छात्र हैं। तो रैगिंग को लेकर के मामले को कुछ हुआ? रैगिंग का मामला नहीं आया कभी कोई सामने। कॉलेज प्रशासन के में कभी कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। पुलिस से क्या आश्वासन मिला दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ये कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, दो तीन अभी कुछ जानकारी अभी मिली है कि जो मानसिक धारणा दे रहे थे शामली से विधायक हैं। हाँ, उनके उनके लड़के का अयान नाम है, अयान खान अली। और क्या नाम है शामली विधायक, उनका मालूम है? उनका नाम नहीं मालूम है। लड़के और कौन थे इसके अलावा? एक कोई खुंडीर करके हैं, अच्छा खुंडीर या इस तरह का कोई नाम है, एक प्रतीक। पुलिस से भी नाम, मेरे लड़के का नाम अक्षत शुक्ला, मेरा नाम कमल कृष्ण शुक्ला। क्या हुआ आपके साथ, आपके बेटे के साथ जो आप यहाँ तक आए हैं? मेरे बेटे को मतलब कि लटका हुआ पाया गया कमरे के अंदर। अब उसका कुछ दिन पहले झगड़ा अगला किसी से यहाँ कॉलेज में हुआ होगा, कुछ लड़कों से, दो तीन लड़के हैं। अब उसके बाद अब हम FIR लिखाना चाहते हैं कि उसको मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने ऐसा काम किया है। अब हम चाहते हैं कि हमको पूरा इंसाफ मिले। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से कि प्रेम नगर क्षेत्र में एक लड़के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया है। इस संबंध में मौके पर जब गए थे तो वहाँ पर जो मकान मालिक है और उनकी उपस्थिति में शव को उतारा गया और उसका पंचायतनामा किया गया। आज जो है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। देखिए, उनके परिवार वालों द्वारा कुछ लड़कों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।